जनवरी में आई जोशीमठ भूधसाव की आपदा ने जोशीमठ के पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना दिया था। वहीं 250 परिवारों को उस दौरान राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया था, जिनके घरों पर लाल निशान, काला निशान और पीला नियमित निगरानी वाला निशान लगाया गया था। अब 5 महीने बीत चुके हैं, हालांकि जोशीमठ में इस समय भूधसाव की घटना देखने को नहीं मिल रही है। वहीं प्रशासन भी प्रभावित परिवारों को मुआवजा इस समय दे रहा है, जिसमें अभी तक प्रभावित परिवारों को 20 करोड़ की धनराशि मुआवजे के तौर पर दे दी गई है। हालांकि अभी तक भवन स्वामियों को सिर्फ भवन का मुआवजा दिया गया है, जमीन का अभी तक रेट फिक्स नहीं किया गया है, जिस कारण लोगों को अभी जमीन का मुआवजा मिलने में और समय लग सकता है। वहीं राहत शिविर में रहने वाले 250 से अधिक परिवारों को धीरे धीरे प्रशासन द्वारा अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है, या फिर लोग अपने आप किराए के घर में रहने चले गए हैं। अब सिर्फ प्रशासन के राहत शिविरों में 65 परिवार रह गए हैं। जोशीमठ आपदा में अभी वर्तमान तक जो है 85 लोगों को लगभग 20 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे द्वारा राहत राशि के रूप में दे दी गई है। अभी भी वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 3 से 4 लोगों को राहत राशि वितरित की जा रही है। जिन भी लोगों ने समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं, जिनकी फाइल पूर्ण हो चुकी है, उनको हम निरंतर बिना किसी परेशानी के मुआवजा वितरित कर रहे हैं। साथ ही अभी कुछ ऐसे परिवार हैं जो कि लगभग 60 से अधिक परिवार हैं जो कि इसमें रह रहे हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं, जैसे कि होटल्स हैं या हमारे सरकारी कोई गेस्ट रूम्स हैं उनमें रह रहे हैं। तो उन परिवारों के लिए अभी भी जो हमारा कम्युनिटी किचन है नगरपालिका जोशीमठ में संचालित हो रहा है, और साथ ही ये भी मेरे द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि किसी भी राहत शिविर में रह रहे व्यक्ति को होटल स्वामी या राहत शिविर संचालक द्वारा जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैम, अभी तक कितने लोग अपने किराए पे जा चुके हैं, यहाँ से बाहर जा चुके हैं? देखिए, इसका ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है कि यहाँ से बाहर कितने लोग जा चुके हैं, क्योंकि मतलब जो प्रशासन ने उसमें पैसा वितरित करने के पश्चात कई लोगों के हमें ये सूचना दी है कि जिन घरों का पैसा प्राप्त कर लिया गया है उन घरों में भवन स्वामी नहीं रह रहे हैं, उनके द्वारा या तो जोशीमठ में ही अन्य किसी स्थान पर या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ या किराए पर भवन ले लिया गया है। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देहरादून या जो आसपास का एरिया है जोशीमठ का, वहाँ पर अभी पलायन कर चुके हैं। देखिए, 250 से ऊपर परिवार जो है शुरुआत में पहले होटल्स में रह रहे थे। इन परिवारों में से अभी हमारे पास लगभग 65 परिवार ऐसे बचे हुए हैं जो अभी भी वर्तमान में राहत शिविरों में रह रहे हैं। अन्य लोगों ने या तो राहत राशि प्राप्त कर ली है या जो किराए का हम लोग पैसा दे रहे हैं उसको प्राप्त करके वो अपने व्यवस्था पर किराए पर चले गए। वहीं अभी उन 8 भूवैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है, जिस कारण हर कोई अभी भी संकोच में है। वहीं रिपोर्ट्स पर ही जोशीमठ का आगे का भविष्य भी तय होना है, और ऐसे में हर कोई अब उन 8 वैज्ञानिक रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहा है। जोशीमठ से कमल नैन की रिपोर्ट।